ये कल रात में ही हुई भाई यहाँ लैंडस्लाइड बारिश की वजह से। देखो ओहो, बाबा जी भी परिक्रमा कर रहे हैं, है ना बाबा जी, पूरी पूरी परिक्रमा कर रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर आ गए भाई। बना रहे हो? हाँ भाई, संगम यहाँ, कावेरी रिवर यहाँ से, नर्मदा रिवर यहाँ बीच में मिल रही है भाई, अभी दिखाते हैं। और भाई जिंदा केकड़ा लाइव अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कितने सारे प्यारे से देखो। बारह सौ मीटर चल गए हैं भाई हम, अब रह गया कुछ हमारा 6 किलोमीटर मोटा मोटा। धूप बढ़ गई है, श्री गायत्री मंदिर है एक, रास्ते में बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं। आ पैर जल रहे हैं। हाँ यार, रुक, भगना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं, अच्छा पल पहले आ जा भाई। सुपर चाय क्या होती है? ₹10 क्या मतलब? हवा में पीते हैं उड़े सुपरमैन की तरह सुपर चाय? बहुत बुरी चीज़ बोल रहा तू। दे दे दे। आंटी जी घाट पे जा रहे हो आप भी? नहीं, आगे दुकान। अच्छा दुकान पे, अच्छा घाट पर आगे पड़ जाएगा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है आंटी जी। सीताराम 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 सीताराम, बोलो भक्तो बजरंग बली की जय। भाई ये थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, हाँ पत्थर तो टूटे हैं, थोड़ा रास्ता खराब है। फोन रख, लंगूरा गया। ये कल रात में हुई भाई यहाँ लैंडस्लाइड बारिश की वजह से। देखो ओहो, राम जाइए भाई, कैसे जाए, तो बड़ा भयानक रास्ता है। नहीं नहीं हो जाएगा। आंटी जा रही है तो वजन लेके, बच्चे भी आ रही है वो। अरे इतनी जल्दी आ गई तुम, आराम से आओ, आने दो। चलो भाई, चलो अब मैं जाता हूँ। देख हूँ, भाई कल रात में देखो भाई इतनी बारिश पड़ी थी, हम कह रहे थे ना लैंडस्लाइड ही हो गई। आराम से जा, नीचे क्रेन काम कर रही है। अबे क्रेन दब गई क्या? नहीं, अच्छा। बाबा जी आ रहे हमारे पीछे। और मेरा टीका कैसा लगा हुआ है? बाबा जी भी परिक्रमा कर रहे हैं, है ना बाबा जी, पूरी पूरी परिक्रमा कर रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर आ गए भाई। बना रहे हो? हाँ भाई, हमारे साथ देखो ये तीन भाई भी मिल गए, पहले तो हम दो ही थे। कहाँ से भाई? महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा गुजरात, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा तो फिर यही प्रसाद घर लेके चले जाओ, दाल का। अच्छा सब सारे दाल चढ़ानी है ना हमें। कितने घंटे? 30 का भाई दाल का प्रसाद चढ़ता है, चने की दाल का। चने की दाल ले ली। चला जूते तो उतार के चलते अंदर मंदिर में। अब ये चेंज हो जाएगी आज। ये तो अपने को मालूम कि अपन कब चेंज, किसने बदली होगी। सही बात है, 30-35 साल 40 साल हो गए होंगे पंडित जी कह रहे। अपना जन्म ही नहीं हुआ। सही बात है। तो अब भाई हम चल पड़े हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद। हाँ, घाट की तरफ, वो रहा घाट, संगम घाट, संगम घाट। हाँ। कावेरी और वो मिलती नर्मदा माता, नर्मदा माता। जस्ट हमने भी दर्शन करे थे ऋण मुक्तेश्वर जी के, तो मतलब कभी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब बिलीव नहीं होता कि वो कैसे कनेक्ट होती कि हमारे लिए भगवान शंकर ने इतने प्यारे दर्शन। इनिशियली हमारा प्लान ये था कि आज हम फिर से जाते दर्शन करने हमारे ओमकारेश्वर जी पे। हम सोचते कि सुबह आज मंगलवार है, तो सोमवार है तो वहाँ पर फिर से जाएंगे हम दर्शन करने। बट फिर हमने सोचा कि रात में हमने एक बार दर्शन तो कर लिए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ के दर्शन कर लेंगे। तो ऋण मुक्तेश्वर जी पे हमें पता लगा आज, जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर के मतलब कवरिंग होती है ना। हाँ, जो सोने जो तांबे की पीतल की होती है। हाँ, वो आज 40 साल बाद हटी थी। हाँ, तो जो पंडित जी कह रहे थे कि उनके बच्चों ने भी नहीं देखा असली मतलब स्वरूप इतने सालों में। हाँ, तो 40 साल बाद सबने आज ही देखा था और हमें मौका मिला वो देखने का। 15 मिनट के लिए वो हटी थी, चेंज हो रही थी, चेंज हो रही थी। हम साक्षात हम गए, सफाई वगैरह करी हमने वहाँ पे, भगवान की दया से हमको भाई सेवा का मौका भी मिला थोड़ा। पंडित जी कह रहे कि भाई ये मतलब मौका ऐसा, तुम बहुत लकी हो। सही में बोलिए पंडित जी ने 2-3 बार ये बात,
बहुत सौभाग्यशाली हो। संगम यहाँ कावेरी रिवर, यहाँ से नर्मदा रिवर यहाँ बीच में मिल रही है भाई, अभी दिखाते हैं। और यहीं स्नान करेंगे हम घाट पर, चलो। यहाँ पर तो वो भी पड़ा हुआ है, केकड़े है क्या उसमें? दिखते रहा कैमरे में। तो भाई आ गए यहाँ पे अब कावेरी, हाँ कावेरी नदी का, नर्मदा के संगम पर। ये तो भाई अब यहाँ पे डुबकी उबकी लगाएंगे, वो देखो वो माता का आशीर्वाद लेंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे, फिर नए पाप कर लो। संगम कहाँ है? संगम यही तो, ये वाला दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ना। हाँ, और इस साइड ठंडा पानी है और यहाँ प्लेबैक चल रहा है। अब हो गया रिकॉर्ड स्टार्ट, दिख रहा मुझे भी। ओहो भाई बड़ा आराम मिल रहा है, बहुत सुकून भाई। अंदर पत्थर देखो, माता माता भाई, हमारे दोस्त का गोप्रो है, हमारे तो है नहीं। चेक करने के लिए लिया कि क्या इसका आउटपुट रहता है वीडियो का। ये देखो क्या ये करतब कर रहे हैं। आ क्या मजा आ रहा है भाई, फ्लोट कर पूरा उस पर। फ्लोट ही तो कर रहा हूँ। चलो भाई फ्लोट कर रहे हैं अपन तो, बढ़िया। जय नर्मदा मैया, जय नर्मदा। ये देखो हमारा भाई दिल्ली का मेंढक, थोड़ा और आगे जा रहे हैं नदी, नदी के अंदर चलना बड़ा मुश्किल है भाई, देखो यहाँ पे ना पत्थर। तो भाई इन पत्थरों पे चलना तो बड़ा मुश्किल है, बैठ बैठ के आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ना भाई ये देख मिला, क्या मिला देख, ये क्या पत्थर? एक जी हनुमान जी का पत्थर है, हनुमान जी का। हाँ तो यहाँ पे ना एक साइड पे गर्म पानी है और एक साइड पे है ठंडा पानी, कावेरी का ठंडा भाई, नर्मदा का गर्म है। हाँ तो भाई अब थोड़ा बीच में आ गए हैं। तेरी ऐसे की तो भाई एक डुबकी लगाता हूँ नीचे, देखते हैं। भाई डुबकी तो मानी जाती है जब सर भी अंदर जाता है पूरा, हैं पूरा सर अंदर देख। यस वन टू थ्री रुजा भी बनी हुई वीडियो हो गए ना बाल गिले। रुजा वन टू चल रही वीडियो, वन टू थ्री गया काम में पानी, कोई नहीं स्वच्छ निर्मल पानी। लोगों ने गंदगी भी कर रखी है थोड़ी बहुत भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर आओ ना भाई, गंदगी वगैरह भाई बिल्कुल मत करा करो। तुम आते दर्शन करने हो पुण्य के माने, पर तुम्हें पाप लगेगा भाई, सही में ये बात सच है भाई। यहाँ तक भी जल का बहाव आ जाता है कभी कभी, जहाँ में भी चल रहे हैं खुद भाई। बड़ा कठिन रास्ता है घाट के वहाँ तक जाने का, देखना पत्थर और ऊपर से चप्पल और पहनी हमने, बड़े अजीब तरीके से चल रहे हैं भाई। जिंदा केकड़ा लाइव अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कितने सारे प्यारे से देखो। तो भाई स्नान करने के बाद अब परिक्रमा की शुरुआत फिर से, 2 किलोमीटर हो गई, 5 किलोमीटर बची है भाई। जो भी कोई आ रहा है मैं तो यही बोलूँगा कि भाई पैदल ही करना परिक्रमा, बोट वोट रहने तो कोई फायदा नहीं है, ताकि तुम छोटे से छोटे मंदिर के दर्शन कर पाओ। बहुत मंदिर हैं यहाँ, सबके दर्शन कर पाओगे।